हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट यानी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे छठे चरण के बारे में, साथ में बिहार स्टेट 2019 अभ्यर्थियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये लेटर कल जारी किया गया है, यानी 29 जुलाई 2021 को एक अधिसूचना जारी किया गया है बिहार सरकार द्वारा। क्या कुछ है उसे पहले हम देख लेते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना, अधिसूचना संचिका संख्या 11/2021/1228 तत्कालीन प्रवृत्त बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा नियोजन एवं सेवा शर्त निमाली 2006 समय समय पर यथा संशोधित तथा बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त निमाली 2006 समय समय पर यथा संशोधित के नियम 6(1)(ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय सूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019 के द्वारा किया गया। नियोजन की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु संशोधित समय तालिका विभागीय अधिसूचना संख्या 910 दिनांक 2/7/2021 द्वारा निर्गत किया गया। ऊपर में कुछ है नहीं फिलहाल, जो जो सारा चीज था छठे चरण से संबंधित वो है। आगे देखते हैं आगे क्या कुछ लिखा गया। 21 हुआ था उसी से संबंधित है। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या इतना 21746/2019 शत्रुघ्न प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 26/11/2020 तथा उक्त CWJC से उद्भूत MJC संख्या 1224/2021 शत्रुघ्न प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 14/7/2021 को आदेश पारित के आलोक में नियोजन की उक्त कार्रवाई की समीक्षा की गई। अब देख सकते हैं ये सारा चीज हुआ था 26/11/2020 को, पढ़ना चाहें तो इसे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे लिखा गया है पुनः, वो नहीं पढ़ रहे हैं पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसके बाद क्या कार्रवाई हो रहा है उसे देखेंगे। पुनः उपरोक्त के क्रम में दिनांक 14/7/2021 को माननीय उच्च न्यायालय पटना के MJC संख्या 1224/2021 शत्रुघ्न प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश में अंकित है कि ये सारा चीज। इसके बाद लिखा गया है 5 नंबर उक्त निमाली के नियम 6(5)(ख) जिसमें अंकित है कि स्नातक प्रतिष्ठा योग्यताधारी या समकक्ष को निर्दिष्ट विषय में नियुक्ति होने पर 5 अंक जोड़ा जाएगा। इसके तहत माध्यमिक शिक्षक के सामाजिक विज्ञान विषय के लिए इतिहास या भूगोल में प्रतिष्ठा होने पर 5 अंक जोड़ने पर निर्देश विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019 में अंकित है। इस प्रावधान पर माननीय उच्च न्यायालय पटना उक्त आदेश के अनुपालन में अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में भी प्रतिष्ठा होने पर सामाजिक विज्ञान विषय के लिए 5 अंक जोड़ने का निर्णय छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई के अंतर्गत लिया गया है। फलस्वरूप पूर्व से निर्मित मेधा सूची में संशोधन आवश्यक है, यानी पहले से जो भी मेधा सूची बना है उसमें संशोधन होगा क्योंकि जो भी ऑनर्स है ना उन सभी को ऑनर्स में प्रतिष्ठा उन सभी को 5 अंक देने की बात कहा गया है सामाजिक विज्ञान में। आगे है पुनः माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या इतना सुरेंद्र कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य एवं संलग्न अन्य याचिकाओं में दिनांक 18/2/2020 को पारित आदेश के अंतर्गत छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया अंतर्गत रिक्त पदों की गणना 30 जून 2019 तक उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर करने का आदेश था। इस हेतु आवश्यक निर्देश विभागीय अधिसूचना संख्या इतना 26/2/2020 के द्वारा दिया गया। COVID-19 के मद्देनजर दिनांक 25/3/2020 से प्रभावी लॉकडाउन के कारण उक्त अधिसूचना में निहित आदेश के क्रियान्वयन पूरी तरह नहीं हो पाया तथा इसके समीक्षा के क्रम में यह दृष्टिगत हुआ कि दिनांक 1/1/2019 से 30/6/2019 की अवधि में कुछ एक नियोजन इकाई में उत्पन्न रिक्ति की गणना नहीं की गई है। यानी उस समय ये अपडेट कर दिया गया था कि सारा रिक्ति जोड़ दिया गया, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कुछ एक नियोजन इकाई में उत्पन्न रिक्ति की गणना नहीं की गई है। फलस्वरूप ऐसे विषयों में भी रिक्ति उत्पन्न हो गई है जो पूर्व से विज्ञापित नहीं थी, अथवा पूर्व से विज्ञापित कोटिवार रिक्ति
से भिन्न नई कोटि में रिक्ति उत्पन्न हो गई। इस आलोक में पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अंतर्गत उत्पन्न इन नई रिक्तियों के विरुद्ध आताधारी अभ्यर्थियों को आवेदन समर्पित करने हेतु एक अवसर दिए जाने की बाध्यता है। आगे क्या लिखा गया है, इस क्रम में छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन के उक्त प्रक्रिया अंतर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019 में आवेदन देने की अंतिम तिथि यथा दिनांक 26/9/2019 निर्धारित थी। अतः पूर्व निर्धारित एस्टेट 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके द्वारा दिनांक 26/9/2019 तक नियुक्ति संबंधी सभी अर्हताएं धारित हों वे ही आवेदन देने हेतु पात्र होंगे। साथ ही एस्टेट 2011 उत्तीर्ण प्रशिक्षित अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जो बीएड सत्र 2016-18 तक में नामांकित और उत्तीर्ण हो तथा दिनांक 26/9/2019 तक परीक्षाफल प्रकाशित हो ही नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित कर सकेंगे। नियोजन प्रक्रिया अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित किया गया उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे समझ लेते हैं क्या कुछ है, इतना समझे इतना दूर से आए। तो पहला जो मामला है वो अंक का है, सामाजिक विज्ञान में प्रतिष्ठा उनको 5 अंक दिया जाएगा यानी ऑनर्स है। तो दूसरा है कि रिक्ति कुछ जगह नहीं जोड़ा गया था, मतलब 1 जनवरी से लेके ये जब भी डेट दिया गया था, डेट आप दोबारा देखना चाहें तो देख सकते हैं, 1 जनवरी 2019 से लेकर 30/6/2019 में कुछ जगह रिक्ति नहीं दिया गया था। तो वहाँ रिक्ति देख लेने के बाद अब वहाँ पे आवेदन होगा, अब उसी से संबंधित है। तो साथ में जब आवेदन होगा तो कौन से अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे, को जिन्होंने एस्टेट 2011 किया है साथ में 16-18 तक उन्होंने बीएड कंप्लीट कर लिया है वही अप्लाई कर पाएंगे, एस्टेट 2011 वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। यानी एस्टेट दो जो 2019 वाले हैं वो अभी वेट करेंगे। एक तो केस वाला मामला चल रहा था कि किसका सुनवाई नहीं हो रहा, साथ में ये जितने भी हैं एस्टेट वाले अभ्यर्थी हैं वो एग्जिट भी नहीं हो रहे हैं। हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि आप लोग एग्जिट होइए, सारा कुछ करना है तो कीजिए, लेकिन एग्जिटता तो है नहीं। तो देखिए आगे कितना वेट करना पड़ेगा इस डेट में पता ही चल जाएगा, इसलिए ऊपर से हम लोग पढ़ते हुए आराम से आ रहे हैं कि कुछ नया है कि क्या है। माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त न्यायाधीश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या 910 दिनांक 2/7/2021 द्वारा निर्गत नियोजन संबंधित गतिविधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019 द्वारा प्रारंभ किए गए छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया को निम्न रूप में निर्धारित किया जाता है। निम्न रूप में निर्धारित किया गया है क्या क्या है, छठे चरण के लिए तो फायदेमंद है क्योंकि उनकी रिक्ति बढ़ रही है उन लोगों का होगा। अब ये सातवें चरण वाले समझे, शिक्षा विभाग के द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि सातवें चरण होगा जैसे ही छठा चरण कंप्लीट होगा, अब छठा चरण कब तक कंप्लीट होगा ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे डेट इसमें दिसंबर तक का ही दिया गया लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो डेट दिया गया उस डेट तक बहाली हो जाए। इससे पहले भी इनका भी कभी डेट आया होगा, आप बीटेट 2017 के बाद जो बहाली प्रक्रिया आंदोलन के बाद स्टार्ट हुई अभी तक प्रोसेस में ही है, अभी तक इसके बाद एक और चरण होगा, एक और मतलब होगा उसके बाद ही शायद नियुक्ति पत्र मिले, वो हो रहा है। अब कब तक मिलेगा, कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बहुत तेज हो रहा है, वो बहुत तेज काम हो रहा है, आप लोग खुश भी हैं, वो चल ही रहा है और ये भी चल ही रहा है। चलिए ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा, यहाँ देख लेते क्या है, जिला द्वारा नियोजन इकाई वार दिनांक 30/6/2019 तक उपलब्ध रिक्ति पदों एवं आवश्यक अतिरिक्त पदों की गणना 2/8/2021 तक करना है और रोस्टर पंजीकरण तैयार करना है 4/8/2021 तक, 30/6/2019 तक उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस जो होगा 10/8/2021 तक होगा। रिक्ति की सूचना नियोजन इकाई को प्रेषित करना है 13/8/2021 तक। नियोजन इकाई द्वारा कोटिवार विषय व रिक्ति का सूचना का प्रकाशन 17/8/2021 तक। आवेदन प्राप्ति की अवधि है 18/8/2021 से 17/9/2021 तक आवेदन करेंगे। फिर अब अंबंधिक मेधा सूची तैयार होगा 18/9 से लेकर 29/9 तक। उसके बाद अंबंधिक मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन होगा 5/10/2021 तक। औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन 8/10/2021 तक। औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति 11/10/2021 से 3/11/2021 तक। आपत्तियों का निराकरण 19/11/2021 तक। आपत्तियों का निराकरण कर मेधा सूची का प्रकाशन 22/11/2021 तक। अब इसके बाद जो भी अभ्यर्थी का मूल प्रमाण पत्र से मिलान जांच होगा 25/11/2021 तक। इसके बाद मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र का मिलान जांच होगा 26/11/2021 तक। जिला स्तर पर कैंप करके नगर पंचायत के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान जांच 27/11/2021 तक। अब आगे भी है इसमें, जिला परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल
प्रमाण पत्र का मिलान ये जांच 29/11/2021 तक उपस्थित अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र मिलान जांच वगैरह आधार पर अंतिम मेधा सूची का जिला परिषद शहरी निकाय के द्वारा अनुमोदन होगा 2/12/2021 तक। नियोजन द्वारा अंतिम मेधा सूची का सर्वाजनीकरण होगा 6/12/2021 तक। इसका अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की वेबसाइट पर विद्यालय और विषय रिक्ति का NIC के जिला के NIC के वेबसाइट पर प्रकाशन होगा, ये होगा 10/12/2021 तक। इसके बाद आपका जो है नवा पॉइंट, नियोजन संबंधित उक्त गतिविधि पूर्ण होने के उपरांत जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण हेतु तिथि का निर्धारण अलग से किया जाएगा। यानी अभी नियुक्ति पत्र नहीं बांटा जाएगा, अभी नियुक्ति पत्र लास्ट में बांटना था लेकिन अभी नहीं बांटा जाएगा। ये कब होगा ये वक्त बताएगा, यानी आगे होगा उसके लिए अलग से लेटर आएगा। उपयुक्त अधिसूचनाओं के अंतर्गत नियोजन की कार्रवाई से समय निर्गत निर्देश उक्त हद तक संशोधित समझे, आगे से यथावत रहेगा। बाकी अनुमोदन प्राप्त है माननीय मंत्री जी से और ये सिग्नेचर वगैरह डेट वगैरह आप देख सकते हैं। यही शिक्षा मंत्री हैं, यही मंत्री जी हैं कि कह रहे थे कि 2-3 महीने में इन लोगों का एस्टेट का बहाली हो जाएगा। जब पहला जब आया था ये वीडियो भी कॉन्फ्रेंसिंग में आप देख सकते हैं, वो क्लिप होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा कि 3-4 महीने में पेपर में भी आया था कि 3-4 महीने में ये बहाली प्रक्रिया 7वें चरण का स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे समझिए कि ध्यान से समझिए, यहाँ तक ये क्या करेंगे NIC की वेबसाइट पे चयनित अभ्यर्थी का होगा, यानी NIC की वेबसाइट पे जो अभी प्रोसेस चल रहा है ना चयनित अभ्यर्थी का डाला जा रहा है, इसके बाद अगला चरण भी चल रहा है। अब समझिए कि एस्टेट जो 2011 है उनका NIC पे वेबसाइट पे डाला जाएगा, 2011 के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको 10 दिसंबर 2021 तक इनका कार्य चलेगा। इसके बाद नियोजन पत्र वगैरह कैसे देना है, कैसे क्या करना है वो वक्त बताएगा। यानी नियोजन पत्र मान लीजिए किसी का नियोजन होगा उसको नियुक्ति पत्र या नियोजन पत्र जो भी कहें वो तो उन्हें देना होगा, तो किस माध्यम से देना है, कब तक देना है, इसका डेट अभी इसके लिए अलग से लेटर निकाला जाएगा। यानी दिसंबर के बाद क्या हो जाएगा, जनवरी हो गया स्टार्ट, यानी 2022 में चले जाएंगे, उसके बाद आपका कब होगा ये इंतजार करते रहिए, क्योंकि आप में एकजुटता नहीं है। आप सर्टिफिकेट के लिए कार्य नहीं करेंगे, आपको किसी चीज से आपको कोई मतलब नहीं है, किस से मतलब है, मेरिट लिस्ट में है नॉट मेरिट लिस्ट में है। और 2011 के जो भी अभ्यर्थी बचते हैं ना वो भी इसमें आएंगे, यानी जो नया बहाली चलेगा जो रिक्ति होगा वो भी इसमें आएंगे, वो भी अप्लाई करेंगे। तो वैसे ही आप लोग वैसे ही रहिए, बाकी जो होना है तो वो ही रहा है, नहीं तो इस पे कुछ करना है तो ज्यादा खुल के मैं नहीं बोलूंगा लेकिन आप समझदार है, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में और लोगों से डिस्कशन होगा वो खुद बताएंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप सोच रहे हैं कि एस्टेट की जो बहाली है वो तुरंत होगा, वो तुरंत नहीं होगा, अब आपको इंतजार करना पड़ेगा और वो भी इस साल नहीं अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। और ये भी आप जानते ही हैं, अच्छे तरीके से समझते भी हैं कि इससे पहले भी शिक्षक बहाली का नियोजन प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था और बहुत सारा मतलब 1-8 का आप देखे होंगे कब से स्टार्ट हुआ था, नियुक्ति पत्र वगैरह सारा चीज बांटने उठने का उसमें समय वगैरह सारा चीज लिखा हुआ था, फिर भी वो अभी भी प्रोसेस में है। अब इनका भी डेट आया, इनका भी आवेदन करने का, लेकर इस दिसंबर तक कंप्लीट होगा या अगले साल कब तक कंप्लीट करेंगे ये भी वक्त बताएगा। तो इंतजार कीजिए, आप लोग भी फाइट करते रहिए, केस वगैरह करते रहिए और देखते रहिए कि क्या कुछ कब तक होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, अब किसी से डिस्कशन ही होगा इस मुद्दे पे कि क्या कुछ आगे होगा, तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब में। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।